दोस्तों यूं तो बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आईं, फिल्मों में काम किया और अपने काम और सिनेमा में अपने समर्पण के लिए याद भी की जा रही हैं। तो उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक नाम शामिल है 80s की फेमस अभिनेत्री सुप्रिया पाठक का, जिन्होंने सन 1981 के अपनी पहली फिल्म कलयुग में सहायक अभिनेत्री से जबरदस्त शुरुआत की, जिसके लिए सुप्रिया पाठक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं इनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। कारण के बिना इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाली महान आत्मा मैं भी नहीं हूँ। आजकल के समाज में रिश्तेदारी बाजार की बात बन गई है। बाजार लगता है, नीलामी होती है, बोलियां लगती हैं। लड़कों के माँ बाप खड़े रहते हैं और लड़कियों के माँ बाप बोलियां लगाते हैं। पीटर, तुम्हें फूल नहीं कांटे चढ़ाने आई हूँ आज। ये कांटे इस बात की गवाह है कि तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे जाने से खत्म नहीं हुई। सब कायर है तो क्या हुआ, मैं लड़ूंगी। इनका जन्म 7 जनवरी सन 1961 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम बलदेव पाठक, जो कि सुपरस्टार राजेश खन्ना और दिलीप कुमार के लिए कपड़े सिलने का काम किया करते थे, और वहीं इनकी माता दीना पाठक, जो कि एक जानी मानी थिएटर और फिल्म अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने बॉलीवुड की ढेरों फिल्मों में माँ और दादी नानी के किरदार निभाए हैं। तो फिर क्या फायदा तुझे लोरी सुना के, तू शहर चला जा, वहीं रहना अपनी दीदी के पास। अच्छी स्कूल में जाएगा, अच्छी तरह पढ़ेगा लिखेगा, यहाँ मेरे पास यूं ही जिंदगी गवा रहा है बेटे। सुप्रिया पाठक का जन्म मुंबई के दादर इलाके के पारसी मोहल्ले में हुआ, और वहीं इनका पालन पोषण भी हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई मुंबई के ही जेपी बाचा हाई स्कूल से पूरी की और फिर बीएफए कंप्लीट किया, जिसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। इसके बाद इन्होंने मुंबई के नालंदा डांस रिसर्च सेंटर से भरतनाट्यम भी सीखा, लेकिन इनके डांस के हुनर और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की पढ़ाई में कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनका मन तो अभिनय में लग रहा था। इसकी साफ वजह यह थी कि कई वर्षों से इनकी माँ दीना पाठक और बड़ी बहन रत्ना पाठक थिएटर में जो सक्रिय थीं, इसलिए इन्होंने भी अपनी माँ और बहन की तरह थिएटर करना शुरू कर दिया, जहाँ इन्होंने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में कई नाटक किए। और किसी एक नाटक के दौरान ही सुप्रिया पाठक को दिग्गज अभिनेता शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल ने देखा और इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी, और कहा डायरेक्टर श्याम बेनेगल मेरे पति शशि कपूर और रेखा को लेकर कलयुग नाम की एक फिल्म बना रहे हैं, अगर तुम चाहो तो श्याम बेनेगल और मेरे पति से मिलकर फिल्म में काम मांग सकती हो। और इस तरह से सुप्रिया पाठक को अपनी पहली सफल फिल्म कलयुग में अभिनेता अनंत नाग के अपोजिट काम करने का मौका मिला, जिसके लिए सुप्रिया पाठक को फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नामांकन भी मिला, और इस तरह से सुप्रिया पाठक की फिल्म इंडस्ट्री में एक दमदार एंट्री हो गई। इसके बाद इन्होंने 80s के दशक में कई फिल्में की, जिनमें विजेता, बाजार, गांधी, बेकरार, मासूम, धर्म और कानून, आवाज, मिर्च मसाला, अर्जुन, शहंशाह इत्यादि, जिनमें सुप्रिया पाठक जी भिन्न भिन्न तरह के किरदारों में नजर आईं। और साथ ही सुप्रिया पाठक अपनी माँ दीना पाठक के डायरेक्शन में थिएटर भी करती रहीं, जहाँ इन्होंने कई सफल नाटक भी किए, जिनमें मैना गुर्जरी और बीबियों का मदरसा शामिल है, जो कि फ्रांसीसी नाटककार मोलियार के एक नाटक पर आधारित था। सुप्रिया पाठक ने फिल्मों के साथ साथ धारावाहिकों में भी काम किया, जिनमें जिंदगी, इधर उधर, खिचड़ी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, खिचड़ी रिटर्न इत्यादि। और साथ ही इन्होंने काफी वर्षों के ब्रेक के बाद फिल्म सरकार से वापसी की और कई हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें मौसम, गलियों की रासलीला, रामलीला, ऑल इज वेल, सरकार 3 और किस किस को प्यार करूं फिल्म शामिल है। अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में ही अपनी माँ के दोस्त के बेटे से शादी कर ली थी, लेकिन किसी कारणवश ये शादी मात्र साल भर में ही टूट गई। इसके बाद इन्होंने थिएटर एक्टर पंकज कपूर से सन 1988 में दूसरी शादी की, जो कि सुप्रिया पाठक से दूसरी शादी कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले पंकज कपूर एक्ट्रेस नीलिमा से शादी कर चुके थे, लेकिन नीलिमा से पंकज कपूर सन 1984 में ही अलग हो गए। इसके बाद सन 1988 में इनकी जोड़ी जमी सुप्रिया पाठक से, जिससे इनके दो बच्चे हुए, बेटी सनहा कपूर और बेटा रूहान कपूर। तो दोस्तों ये कहानी थी 80s की फेमस अभिनेत्री सुप्रिया पाठक की, जिन्होंने अपने हुनर की बदौलत कई फिल्मों में शानदार काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दें, तथा ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।